हेलो गाइस, हमारे चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको साइनेस का प्रथम सिद्धांत से अवकलन दिखाएंगे कि साइनेस का प्रथम सिद्धांत से अवकलन किस प्रकार से हम प्राप्त करते हैं। वैसे तो ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन इसको प्रूव कर आप देखते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। और 5 नंबर में कभी पूछा भी जाता है कि साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स या किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का जो है वो प्रथम सिद्धांत से अवकलन पूछा जाता है। तो यदि इसको आप देख लेंगे तो बाकी अन्य त्रिकोणमितीय जो अनुपात है उनका आप डिफ्रेंशिएशन प्रथम सिद्धांत से कर पाएंगे। तो आइए इसी के क्रम में हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन फंक्शन हमारा कौन सा है, साइन एक्स है। तो इसको सोल्व करेंगे तो जो साइन एक्स है इसको हम क्या मान लेंगे, हमारा मेन फंक्शन मान लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे माना इस फंक्शन को हमने क्या मान लिया, एफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लिया, साइन एक्स, जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं। और उसके बाद में एक्स के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, एक्स प्लस एच। तो यहाँ पर भी एक्स के स्थान पर क्या लिख देंगे, एक्स प्लस एच। इस तरह से एफ एक्स और एफ एक्स प्लस एच के मान निकल आए हैं। ये मान क्यों निकाले हैं, क्योंकि आगे हम अवकलन का प्रथम सिद्धांत उपयोग करेंगे, उसमें इन दोनों वैल्यूज की जरूरत पड़ती है। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं अवकलन के प्रथम सिद्धांत से। तो ये प्रथम सिद्धांत इस प्रकार से है, क्या है वो, एफ डेस एक्स बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान में एच। अब इसमें हम उसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ ले देते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, और ये एफ एक्स प्लस एच है, इसका मान हमारे पास में है साइन एक्स प्लस एच, और एफ एक्स का मान है साइन एक्स। तो ये लिख दिया साइन एक्स अपान में एच। इसके बाद यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हम जो लगाएंगे तो वो क्या होता है, उसका उपयोग करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो होता है टू कोस सी प्लस डी बाई टू। तो ये कोस क्या हो जाएगा, कोस सी प्लस डी बाई टू। तो देखिए कोस सी प्लस डी बाई टू में एक्स प्लस एच में एक्स जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स प्लस एच बाई टू, ये टू कोस हो गया। और c प्लस डी, तो c और d, c a और d a, तो x प्लस एच में x जोड़ेंगे तो 2x प्लस एच हो जाएगा बाई टू। और फिर होता है साइन c माइनस डी बाई टू। तो देखिए c क्या हमारा x प्लस एच, उसमें से x घटाएं तो बचेगा केवल क्या, x प्लस एच में से x घटाने पर एच बचता है, तो h बाई टू अपान में हम लिख देंगे h। तो इस तरह से हमारा ये फार्मूला यहाँ तक होता है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे कौन से फार्मूले को हमने यूज़ किया वो लिख भी देते हैं ताकि आपको सुविधा रहे। फार्मूला होता है साइन सी माइनस साइन डी। देखिए इससे कंपेयर कीजिए, तो ये क्या साइन सी और ये साइन डी, और ये होता है टू कोस सी प्लस डी बाय टू एंड साइन सी माइनस डी बाय टू। इस फार्मूले का हमने प्रयोग किया है और उसके तहत इस स्टेप से ये स्टेप प्राप्त की है। अगले क्रम में हम इसको इस तरह ले देते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो, और यहाँ पर कोस टू एक्स अपान टू एक्स प्लस एच बाय टू है तो टू एक्स अपान टू लिखेंगे तो क्या जाएगा एक्स, और एज बाई टू लिखेंगे तो ए प्लस एज बाई टू ही लिखना पड़ेगा। उसके बाद में साइन एज बाई टू, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एच, ये एच लिख लिया हमने। और इस टू को हम क्या लिखते हैं, ये टू बटे में लिख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि ये एज बाई टू, ये टू ऊपर जाके वापस वही स्थिति निर्मित करता है, इसलिए हम इसको एज बाई टू लिख लिया। अब एक फार्मूला होता है कि यहाँ h जब जीरो हो और ये साइन h अपान h बाई टू अपान h बाई टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
वो भी हम लिख देते हैं किस तरह से हो जाएगी, फार्मूला हम यहाँ पर लिख देंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इसको लिख देंगे कोस एक्स प्लस एच बाई टू, और इसको लिमिट साइन एच बाई टू अपन एच बाई टू। अब इसके बाद हम लिमिट का मान रख देते हैं, तो देखिए लिमिट का मान यहाँ पे नहीं रखेंगे फिलहाल, इसको ऐसे लिख लेते हैं कोस एक्स प्लस एच बाई टू, और इसका मान हो जाता वन, इस लिमिट का मान हो जाता वन। क्यों हो जाता है, मैं यहाँ एक फार्मूला लिख देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में स्पेस है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसके लिए। चूंकि एक फार्मूला होता है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपन एक्स क्या होता है वन होता है, ये वाला फार्मूला है एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स अपन एक्स इक्वल टू वन होता है। तो जैसा यहाँ है वैसा ही यहाँ हो, तो देखिए यहाँ पे लिमिट क्या है, लिमिट एच टेंस टू जीरो है, तो ये जीरो और ये जीरो, देखो यहाँ पे भी जीरो रखने पर, ये जीरो रखने पर ये वन, तो ये इसका मान वन होता है। ये भी एक बेसिक फार्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, तो इस ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना कि ये वैल्यू वन होती है, तो उसी के तहत ये इसका मान क्या हो गया, वन हो गया। अब हम यहाँ लिमिट रख देते हैं इसमें, तो इसमें एच का मान क्या रखेंगे जीरो, तो जीरो बाय टू क्या जाएगा जीरो, और जीरो प्लस एक्स जोड़ेंगे क्या जाएगा एक्स, तो ये क्या जाएगा कोस एक्स हो जाएगा। तो इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार हमें प्राप्त हो जाता है कि डी बाई डी एक्स हाफ साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स प्राप्त होता है, और यही हमें प्रूव करना था। आइए एक अन्य फार्मूले को हम और प्रूव कर लेते हैं, उसमें हम टेन एक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हमारा दूसरा क्वेश्चन ये है जिसमें हम टेन एक्स का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है, जिसको प्रथम सिद्धांत से समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन जब लिखेंगे तो उसमें टेन एक्स को क्या मान लेंगे, एफ एक्स मान लेंगे। तो माना एफ एक्स इक्वल टू टेन एक्स, ये हम लिख दिया। अब x के स्थान पर क्या लिखना है, x प्लस एच, तो ये x प्लस एच और ये हो जाता है टेन एक्स प्लस एच। अब अवकलन के प्रथम सिद्धांत से, तो अवकलन के प्रथम सिद्धांत से क्या लिखेंगे, अवकलन के प्रथम सिद्धांत कहता है कि लिमिट फिलहाल सॉरी एफ डेस एक्स जो होता है वो होता है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। इसमें अब हम वैल्यू पुट अप करेंगे, किसकी वैल्यू पुट अप करेंगे वो बता देते हैं, एफ एक्स प्लस एच की, जो क्या है टेन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स की, जो कि क्या है टेन एक्स, इस अपान में क्या लिख देंगे एच। अब यहाँ पर हम लिमिट एच टेंस टू जीरो टेन एक्स प्लस एच को लिख सकते हैं, टेन क्या होता है साइन बटे कोस, तो साइन बटे कोस, तो साइन एक्स प्लस एच अपान कोस एक्स प्लस एच, और टेन एक्स को लिख देंगे साइन एक्स अपान कोस एक्स, और जो एच है इसको हम साइड से फिलहाल ऐसा लिख देते हैं इधर सुविधा के बतौर, इसको इन दोनों को, इसको ये लिख लिया, इसको ये लिख लिया हुआ है, और एच को साइड में लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो चलिए अगली स्टेप, लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपान एच, यहाँ पर अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, कोस एक्स प्लस एच और कोस एक्स, कोस एक्स प्लस एच से कोस एक्स प्लस एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा साइन एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स।
फिर माइनस लगा के कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा कोस एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स। तो इस तरह से हमारी ये स्टेप प्राप्त होती है। इसके बाद लिमिट एच टेंस टू जीरो वन अपान एच। अब यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, वो क्या लगता है जरा ध्यान दीजिए, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, जो फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का। तो ए हमारा ये है और बी ये है, ए क्या है एक्स प्लस एच और बी क्या है एक्स ए है। तो यहाँ फार्मूला लग जाएगा साइन ए माइनस बी, ए मतलब एक्स प्लस एच और बी मतलब एक्स, तो ये हो गया उसके बटे में कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स। इस तरह से यहाँ पे हमने कौन सा फार्मूला यूज किया है मैं लिख भी देता हूँ, चूँकि साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी जो होता है, ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी वो होता है साइन ए माइनस बी। इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए इस स्टेप से ये वाली स्टेप प्राप्त की है। नीचे वाला जो हर है ने न्यूमरेटर अपन डिनोमेटर होता है, तो जो डिनोमेटर है वो एज इट इज है। उसके बाद अगली स्टेप हमारी प्राप्त होती है लिमिट एच टेंस टू जीरो और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो बचता है साइन एच, ये लिख दिया हमने साइन एच और अपान में ये क्या हो जाएगा एच। ये ऊपर वाला हिस्सा जो है एक से एक्स कैंसिल हो जाता है तो साइन एच बचता है और बटे में एच लिख दिया, और इसको लिख देते हैं वन अपान कोस एक्स प्लस एच इंटू कोस एक्स। अब हम यदि वैल्यू पुट अप करते हैं तो जब लिमिट एच टेंस टू जीरो होता है तो ये वैल्यू वन होती है, तो इसका मान क्या रहता है वन हो जाता है, जैसा कि हमने पिछले व्यंजक में आपको दिखाया था साइन एच अपन एच वन होता है तो ये वन हो जाता है, और इसमें एच की वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये वन अपन कोस एक्स एक्स प्लस जीरो मीन्स एक्स हो जाएगा, और ऑलरेडी इधर क्या है कोस एक्स है तो ये तो कोस एक्स बनता ही बनता है और ये भी कोस एक्स है, इस तरह से ये क्या जाता है कोस स्क्वायर एक्स, और वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा वन अपन कोस स्क्वायर एक्स आएगा, जो आगे चलकर क्या जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इस तरह से हमने ये हमारा जो फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स को प्रूव कर दिया है। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।